झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। पहला खबर है चतरा से। नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मियों ने लगाया काला बिल्ला। नई पेंशन योजना के विरोध में मंगलवार को विभिन्न विभागों में पदस्थापित कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। इस क्रम में कर्मियों का एक शिष्टमंडल उपायुक्त दिव्यांशु झा से मिलकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों संघ के जिला संयोजक सुनील कुमार ने बताया कि झारखंड प्रांतीय समिति ने 1 दिसंबर को सरकारी कर्मचारियों से एनपीएस के खिलाफ काला दिवस मनाने का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर पुलिस विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग के साथ अन्य सभी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर इसका विरोध किया। टाटा स्टील के 99% कर्मी यूनियन चुनाव दिसंबर में ही कराने के पक्ष में। टाटा स्टील के 99% कर्मचारी नवा मुंडी माइंस मजदूर यूनियन का चुनाव दिसंबर में ही कराने के पक्ष में है। सोमवार को नवा मुंडी पहुंचे इंडियन नेशनल माइंस वर्कर्स फेडरेशन सचिव शंभु शरण प्रसाद, वेस्ट बोकारो RCM प्रेसिडेंट महेश प्रसाद, रवि कुमार निषाद व मोहन कुमार को कर्मचारियों ने अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। मंगलवार को नवाडी माइंस मजदूर यूनियन कार्यालय में हुई बैठक में उपस्थित 90% कर्मचारियों ने इसी महीने 10 से 12 दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग रखी। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण को देखते हुए JRD टाटा सभागार में बूथों की संख्या बढ़ाकर 4 करने की मांग भी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने ली ग्रामीणों की सुध, मिला राशन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद बेड़ो के चरगनी गांव में निवासी करने वाले ग्रामीण मजदूरों को झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को उपायुक्त रांची ने बताया कि चरगनी गांव के सभी मजदूरों व ग्रामीणों को झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया गया है। बेड़ो के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा गांव भ्रमण कर सभी लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण किया गया है। रात में बढ़ेगी ठंड, सुबह में रहेगी धुंध, शुक्रवार से बदलेगा मौसम। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज शीतलहर का असर झारखंड पर भी पड़ेगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में कमी आएगी और रात में ठंड बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है जिसका असर झारखंड पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर भारत में तेज शीतलहर और बर्फबारी से आसपास के राज्यों में ठंड बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार से सुबह में रहेगा कोहरा। फिलहाल रांची में सुबह से ही आसमान साफ रह रहा है। शुक्रवार से मौसम बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह में कोहरा या धुंध छाया रहेगा, इसके बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। 4 दिसंबर तक शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यह खबर है पश्चिमी सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम में 4 व 5 को प्रवास करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश। पश्चिमी सिंहभूम भाजपा जिला कमेटी की बैठक जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति की अध्यक्षता में मंगलवार को की गई। इसमें मुख्य रूप से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद लक्ष्मण गिलुआ उपस्थित थे। बैठक में 4 व 5 दिसंबर को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश के पश्चिम सिंहभूम जिले में 2 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम की तैयारी के लिए रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें 4 दिसंबर को सुबह 10:30 में जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। जिले प्रदेश अध्यक्ष के आवागमन पर बंदगांव प्रखंड में उनका स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा एक बंदगांव प्रखंड अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। इसके बाद विभिन्न स्थानों में स्वागत करते हुए चायवासा जिला कार्यालय में उनका आवागमन होगा। 2 दिवसीय दौरे में विभिन्न बैठकों का आयोजन किया जाएगा। यह खबर है दुमका से। लालू पर देशद्रोह का मुकदमा कर तिहाड़ जेल भेजा जाए। पूर्व सांसद व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज मंडल ने मंगलवार को दुमका परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। इतना ही नहीं, उन्हें रांची से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। पूर्व सांसद ने कहा कि जिस तरह से दुमका उपचुनाव के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर सरकार गिराने के बयान दिए गए मामले में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया था, ठीक उसी प्रकार बिहार सरकार को गिराने की साजिश करने के मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा होनी चाहिए। झारखंड में 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर ने किया सरेंडर, कई मामले में थी चतरा पुलिस को इसकी तलाश। खबर है चतरा से, तो आइए जानते हैं मामला को गंभीरता से। झारखंड के चतरा जिले में 5 लाख का इनामी टीपीएससी का सब जोनल कमांडर उदेश गांजू उर्फ सुकूल ने कल सरेंडर कर दिया। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाशी थी। चतरा के पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा के समक्ष कल मंगलवार को उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उदेश पर 5 लाख का इनाम घोषित था। झारखंड के इन 6 जिलों में सर्वाधिक एचआईवी पॉजिटिव 20,000 से अधिक मरीजों का चल रहा है इलाज, खबर बताया जा रहा है कि रांची से। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला को। झारखंड में 2002 से लेकर अब तक कुल 25,757 एचआईवी पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें से 20,919 का एआरटी सेंटर में इलाज चल रहा है, अन्य या तो बाहर या दूसरे राज्य में चले गए हैं या अपना इलाज नहीं करा रहे हैं। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों में सबसे अधिक एचआईवी पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह और कोडरमा शामिल है। झारखंड में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए 12 एंट्री ट्रोल वायरल थेरेपी सेंटर बने हुए हैं। इस समय 20,919 मरीज एआरटी सेंटर में निबंधित हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। आप खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं खेल से। जेएनयू में भारत के खिलाफ जहर घोलने वाली सहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने बेटी के करतूतों का किया भंडाफोड़। सहला रशीद के खिलाफ उनके पिता अब्दुल रशीद सोरा ने शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि बेटी सहला उन्हें मौत की धमकी दे रही है। जेके न्यूज वायर के अनुसार अब्दुल ने सहला के खिलाफ जाँच की मांग की है। भारत के लिए बल्ले बल्ले, महाशक्तिशाली मिसाइल से बड़ी सफलता, चीन की हालत खराब। भारत ने अपनी ताकत में बढ़ोतरी करते हुए महाशक्तिशाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का कल यानी मंगलवार को सफल परीक्षण किया। सूत्रों के सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ये टेस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया। बता दें, यह भारतीय नौसेना की तरफ से किए जा रहे ट्रायल का ही एक हिस्सा था। कोरोना की दमदार वैक्सीन 100% है असरदार, लाखों लोगों तक पहुंचेगी कैसे। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही दुनिया को राहत पहुंचाने के लिए कई कंपनियां वैक्सीन डेवलप करने में जुटी है। इस रेस में सबसे आगे अमेरिका है, जिसकी फाइजर और मॉडर्न कंपनी ने अपनी वैक्सीन की सबसे ज्यादा असरदार होने का दावा किया है। मॉडर्ना ने तो कहा है कि कोरोना संक्रमण के गंभीर मामलों में उसकी वैक्सीन 100% प्रभावी साबित हुई है। कनाडा के पीएम टुंड्रो ने किसान आंदोलन का किया समर्थन तो भारत ने दी सलाह। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुंड्रो ने भारत में चल रहे किसानों के समर्थन पर टिप्पणी की है। उन्होंने आंदोलन का समर्थन करते हुए देश की स्थिति चिंताजनक बताई है। अब इस पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। भारत ने उन्हें सलाह देते हुए कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामला में टिप्पणी करना अनुचित है। कहीं दीप जले, कहीं पीएम मोदी के हर हर महादेव लिखने पर लिबरलो वामपंथियों ने दिखाया असली रंग। देव दिवाली के खास अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने उत्सव का पहला दिया प्रज्वलित करके पूरे आयोजन का आनंद लिया। इस बीच उनकी एक वीडियो भी सामने आई। वीडियो में वह शीर्ष स्रोत पर चल रहे लेजर लाइट का शो देखकर सिर हिलाते और उंगलियां रखते दिखे। इस वीडियो में उनके ट्विटर हैंडल से शेयर करके इस पर हर हर महादेव लिखा गया। सोशल मीडिया पर कई लोग पीएम के इस अंदाज को देखकर फूले नहीं समाए और उनकी तारीफ की। लोगों ने उन्हें हमारी संस्कृति के संरक्षक तक बताया, लेकिन तभी वामपंथियों से यह खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने वीडियो शेयर करके दोबारा इस पर अपना रोना शुरू कर दिया। प्रशांत भूषण ने तो उनके थिरकने का उपहास उड़ाते हुए उन्हें भारत को जलाने का जिम्मेदार बताया। किसान प्रोटेस्ट पर बाढ़ बंदी, हजारों जवानों की तैनाती, कैसे सील हुई दिल्ली के 4 बॉर्डर जानिए।
दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा हुए किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की पूरी तरह मुस्तैद है। दिल्ली आने वाले हर रास्ते में बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सख्ती बढ़ती भी जा रही है। किसानों के समर्थन में उतरी टैक्सी यूनियन, 3 दिसंबर से हड़ताल की घोषणा। ऑल इंडिया टैक्सी यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो वे हड़ताल पर जाएंगे। यूनियन के अध्यक्ष बलवंत सिंह बुलर ने इसकी जानकारी दी। जल्द ही कानून के शिकंजे में होगी सेहला रसीद, टुकड़े टुकड़े गैंग में छाया सन्नाटा, पोल खुलने का डर। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा सेहला रसीद जल्द ही कानून के शिकंजे में होगी, क्योंकि उनके अब्बा अब्दुल रसीद सोरा ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेहला रसीद के अब्बा अब्दुल रसीद सोरा ने डीजीपी दिलबाग सिंह को पत्र लिखकर कहा कि उनके घर में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है और सेहला के कुख्यात गतिविधियों में शामिल है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी बेटी द्वारा ही उन्हें मौत की धमकी दी जा रही है। बाटा कंपनी ने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को बनाया ग्लोबल सीईओ। बहुराष्ट्रीय शू कंपनी बाटा ने अपने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल सीईओ बनाया है। कंपनी ने संदीप कटारिया को ग्लोबल सीईओ बनाया है, जो फिलहाल बाटा इंडिया के सीईओ हैं। संदीप कटारिया ने एलेक्स जिन्स नसाद की जगह ली है, जो करीब 5 साल से बाटा के ग्लोबल सीईओ के पोस्ट पर थे। बीजेपी ने बंगाल में उतारे दूसरे प्रदेशों से पार्टी के 5 बड़े मैनेजर, हर जोन के लिए अलग रणनीति। पश्चिम बंगाल में अगले साल की शुरुआत में होने वाली विधानसभा चुनाव की सियासी जंग के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकने में जुटी है। पार्टी ने 294 सीटों वाली विधानसभा की 200 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने पूरी मोर्चेबंदी की है। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जिनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी ने देश के 5 प्रदेशों से अपने संगठन महामंत्री राज्य में बुलाए हैं। भारत में मलेरिया के मामले में 73% गिरावट, WHO ने कहा भारत ने की बड़ी प्रगति। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी सरकार के प्रयासों के सकारात्मक नतीजे दिख रहे हैं। जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, वहीं बीमारियों को नियंत्रण करने में काफी सफलता मिली है। इस सफलता की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी की है। कहा कि भारत ने मलेरिया से निपटने की दिशा में बड़ी प्रगति दिखाई है। सोमवार को जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मलेरिया के मामले में 73% की गिरावट दर्ज की गई है। अब शादी में पड़ोसी से नहीं मांगना पड़ेगा सिलेंडर, पूरी बारात का इंतजाम करेगा जंबो सिलेंडर। मौजूदा दौर में LPG की खपत तेजी से बढ़ती जा रही है। अब किसी भी परिवार का एक सिलेंडर से काम नहीं चलता, लिहाजा हर किसी को अब 2 से 4 सिलेंडर रखने पड़ते हैं। तरल पेट्रोलियम गैस की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जंबो सिलेंडर लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि एक लंबो सिलेंडर से ही हजारों लोगों का खाना पकाया जा सकता है। अब खबर खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सीरीज में सीरीज गंवाने के बाद कोहली का विराट बयान, किन पर फोड़ा ठिकरा जानिए। ऑस्ट्रेलिया टीम ने रविवार को दूसरे वनडे में भारत को 51 रन से हरा कर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। पहले वनडे में भारत को 66 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने क्या कहा। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजों पर हार का ठिकरा फोड़ा है। विराट के निशाने पर सचिन का एक और बड़ा रिकॉर्ड, तीसरे मैच में 23,000 बनाते ही रच देंगे इतिहास। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला गंवा चुकी है और 2-0 से पीछे चल रही है। कैनरा में होने वाले तीसरे वनडे में टीम इंडिया जहां प्रतिष्ठा दांव पर होगी, वहीं कप्तान विराट कोहली के लिए एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने का मौका होगा। चिराग पासवान ने राज्यसभा चुनाव के लिए RJD की मदद लेने से किया इनकार, लोजपा नहीं उतारेगी अपना कोई भी प्रत्याशी।
लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी व दलित सेना के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद से रिक्त पड़ी राज्यसभा की सीट पर चुनाव है। राज्यसभा की यह सीट संस्थापक के लिए थी, जब पार्टी के संस्थापक ही नहीं रहे तो यह सीट बीजेपी किसको देती है उनका निर्णय होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।